धूप लग रहा है सर को, अरे गाड़ी के पास होता है, अरे सर का भाई गाड़ी के पास होता है, समझते नहीं। सिटिंग कैंडिडेट मुझे मालूम है, लेकिन ये उनका इंटरनल अफेयर है, मैं देख रहा हूँ क्या क्या हो रहा है, लेकिन मेरा बोलना तो ठीक नहीं होगा ना। ये उनकी पार्टी का मामला है, उन लोगों का मामला है। वैसे अजय निषाद जी और अजय निषाद जी की फैमिली बहुत अच्छे लोग हैं, मैं उनकी बहुत कदर करता रहा हूँ, और वो अगर आए हैं तो ज़रूर आज देश की हालात या जिस पार्टी से बाहर आए उस पार्टी की हालत जो है आज उसको देख कर सोच समझ कर ही आए होंगे, मुझे पूरा विश्वास। मोदी जी बिहार आ रहे हैं, चुनाव प्रचार का शुरुआत करने जा रहे हैं, तो चुनाव अगर शुरू हो गया है तो लोग आएंगे ना, प्रचार तो करेंगे। वो तो कहीं बाजार से खरीदने तो शायद संभव है, लेकिन इस बार तो बाजार से भी खरीदना संभव नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का रवैया जो है वो इस बार आप देख रहे हैं पहले की तरह नहीं है। ईवीएम मशीन के ऊपर भी और वीवीपैट के ऊपर जो है आज स्वीकार कर ली गई है याचिका, और सुप्रीम कोर्ट में मामला गया हुआ है। ऐसे भी ईवीएम या इलेक्शन कमीशन के ऊपर बड़ी पैनी नज़र है इस बार सुप्रीम कोर्ट की, इसलिए वैसा नहीं होगा। जो 400 पार की जो बात कर रहे हैं हमारे मित्रगण, मैं कह सकता हूं बहुत कोशिश करेंगे और बहुत अच्छा भाग्य सौभाग्य होगा उनका, तो शायद 150-200 सीट लेकर आ जाए। पटना साहिब से आप भी सांसद रह चुके हैं, पटना साहिब से आप भी सांसद रह चुके हैं, पटना साहिब में एक बार फिर से रविशंकर प्रसाद पे भरोसा जो है बीजेपी ने जताया है, क्या लगता है? लगातार जनता मांग कर रही थी ऋतुराज सिन्हा का परिवर्तन की बात भी आ रही थी। देखिए मैं ऋतुराज जी को जानता हूँ, उनके पूरे परिवार को जानता हूँ, बहुत अच्छा लड़का है, बहुत बढ़िया है, बहुत दमदार है, उसकी बहुत लोकप्रियता है, बहुत काम किया और काम करते हैं वो। जहाँ तक दूसरा नाम लिया आपने, मैं आपने देखा होगा मैं कभी नाम नहीं लेता हूँ, ये है। और ऐसा मैं कहूँगा कि ये उनके पार्टी का अंदरूनी मामला है। आज मैं इन बातों पर रोशनी डालूँ, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, मुझसे आप TMC की कोई बात करते, हमसे आप ये ममता जी की कोई बात करते, हमारे आसनसोल या बंगाल की बात करते, पवन सिंह ने मैदान क्यों छोड़ दिया आपके? खामोश। लेकिन सर बिहारी बाबू से आप बंगाली बाबू बन गए, ये भी तो एक बड़ा सवाल। बिहारी बाबू भी हूँ, बंगाली बाबू भी हूँ, और सही मानों में हिंदुस्तानी बाबू। पूरे देश में आपने देखा है चारों तरफ लोग प्यार करते हैं, समर्थन देते हैं, चारों तरफ अच्छे नतीजे आ रहे हैं, इसका माने है कि हिंदुस्तानी बाबू हूँ और सही मायने करना चाहेंगे क्या बिहार फिर से? क्यों चुनाव? और मैं उन लोगों को छोड़ दूं जिन लोगों ने मुझ पे इतना भरोसा किया, जिन लोगों ने EVM के मशीन के खिलवाड़ के बाद रिकॉर्ड मतों से हमें विजयी बनाया, जो हमारी ममता जी देश के सबसे कद्दावर, सबसे प्रोमिनेंट, सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे पॉपुलर लीडर हैं, उन्होंने मुझ पे इतना विश्वास जताया, मैं उनके साथ दगा करूं? संभव नहीं है। वक्त बिखर गया सर, संजय सिंह को जमानत मिल गई है, सुप्रीम कोर्ट ने दिया है जमानत। बहुत बहुत वेलकम, बहुत अच्छा लगा, सत्यमेव जयते। आज जिस तरह से ED के पास जवाब नहीं था सवालों का, सुप्रीम कोर्ट में साफ जाहिर होता है, जैसा हम लोग कह रहे थे, साफ दिखता था कि संजय सिंह को फंसाया गया था, उनके ऊपर जिस तरह के मुकदमे डाले गए बगैर सबूत के, मैं समझता हूँ वैसा ही होगा। अब केजरीवाल के मामले में भी, जैन साहब के मामले में, सिसोदिया जी के मामले में ऐसा ही होगा, मुझे पूरा विश्वास है। इसलिए मैं कहा शुरू में सत्यमेव जयते, ये सब विजयी होकर बेदाग होकर बाहर निकलेंगे। इंडिया गठबंधन से TMC अलग क्यों हो गई है? इंडिया गठबंधन से TMC अलग सर, एक सवाल है सर, सर एक सवाल है, लालू प्रसाद यादव की जो रोहिणी आचार्य वो चुनावी मैदान में उतर चुकी है, लालू प्रसाद यादव की दूसरी बेटी, बहुत अच्छी बात है, युवा है, बहुत बढ़िया है, वही बेटी है ना जिन्होंने बाप के लिए, पिता के लिए इतना त्याग किया, बढ़िया किया, और लोगों का आने का पूरा अधिकार है। अब क्या होगा चुनाव में, तो बिहार और सारण है कि पटना है, इस देश की जनता उसको डिसाइड करती है। ये आप उनसे पूछो ना, उनकी पार्टी का मामला है, अब तो मैं उस पार्टी में हूँ नहीं, अब तो मैं उस पार्टी में रहा नहीं।